प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्रेम स्नेह के साथ आप लोग मेरे वीडियो में प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। चंद्र सूर्य मंगल केतु ग्रह की युक्ति का क्या संबंध है कुंडली के प्रत्येक राशियों से। जिसके मेष राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठे हों, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, लगनशील होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है, सफल होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ऐसे लोग जीवन में संकित विचार के होते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है, उन्नति में रुकावट होती है। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, लगनशील होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं। जिसके कर्क राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल होते हैं, इच्छानुसार सफलता पाते हैं, आर्थिक सामाजिक व्यवहारिक उन्नति करते हैं, परंतु जिद्दी होते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ये सम्मानजनक शिक्षा पाते हैं, सम्मानजनक उन्नति करते हैं, इनके कभी चरित्र खराब नहीं होते हैं, ऐसे लोग अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कन्या राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठे हों, ये जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, शत्रु पैदा करते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, कभी कभी जेल जाने की संभावना भी बनती है। जिसके तुला राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु हो, ऐसे लोग अक्षमातिक पद पाते हैं, अक्षमातिक उन्नति करते हैं, कम परिश्रम में सफल होते हैं, परंतु इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है, शादी विवाह में रुकावट आती है। जिसके वृश्चिक राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठे हों, ये सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जीवन में इच्छानुसार सफलता नहीं कर पाते हैं। जिसके सिंह राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु हो, दोस्तों ये ऐसे लोग महाभाग्यशाली होते हैं, बहुत जल्द उन्नति करते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा होते हैं, ऐसे लोग राजनीति में भी सफलता पाते हैं, नौकरी में भी पाते हैं, व्यापार में भी पाते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं, देश विदेश में अपना नाम फैलाते हैं। जिसके कुंभ राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ऐसे लोग गुप्त धन पाते हैं, ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग जीवन में सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति जीवन में कभी कर्जदार नहीं होते। जिसके कुंडली में मीन राशि में चंद्र सूर्य मंगल केतु बैठा हो, ऐसे लोग कई बार विदेश जाते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य होते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और इनका जीवन सफल होता है, असफल नहीं रहता है। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की इच्छा करते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आपके सहयोग के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना करते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।